नमस्कार। तो आज अपन वेदांता लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो वेदांता स्टॉक की सबसे पहले हम लोग न्यूज़ भी चेक करने वाले हैं, उसके ऊपर चार्ट एनालिसिस भी नज़र डालेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले वीक में नज़र आ सकते हैं। तो वेदांता 279 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, यहाँ पे 280 के नीचे 2% डाउन गिराव देखने को मिली थी वेदांता में फ्राइडे के दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग न्यूज़ चेक करेंगे वेदांता स्टॉक के लिए। तो न्यूज़ की बात आती है तो यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक कोई खास अपडेट है क्या रिगार्डिंग वेदांता स्टॉक। तो मूडीज डाउनग्रेड वेदांता रेटिंग ओवर लाइकलीहुड ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट। तो देख सकते कोई खास अपडेट नहीं, कल जो न्यूज थी वो हमने भी पढ़ी थी तकरीबन वेदांता लिमिटेड रिगार्डिंग। तो वेदांता में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आ चुका है, यहाँ पे आप देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पे वेदांता का यहाँ पे चार्ट भी देखा जाए तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर अभी भी है, पी रेशो 7 है जो कि अच्छा है। और चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो वेदांता स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज 265 के करीबन है, तो उस लेवल तक यहाँ पे आप देख सीजिए 280 के नीचे आता है स्टॉक, तो उस लेवल तक 265 के तक आने के चांसेस है। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लग सकता है नीचे के साइड स्टॉक के लिए, और 280 के ऊपर सेटल होता था तो 292 टू 300 लेवल तक जाने के जो चांसेस है ओपन हो सकते थे। और यहाँ पे इंट्राडे के लिए यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके ऊपर भी नजर डालेंगे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्राडे की बात की जाए तो स्टॉक रिसेंटली जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 275 लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेवल है 275 की वो सपोर्ट ले सकता है स्टॉक, और नीचे की जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 265 275 टू 265 लेवल यहाँ पे सपोर्टिव दो लेवल रहेंगे। और ऊपर 280 के जाता है तो यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो इजीली यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बढ़ेगी स्टॉक के अंदर 290 तक, तो एक अच्छी मोमेंटम नजर आ सकती है।